फैमिली कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे आज मैं जो रिव्यू करने लगी हूँ वो है तिब्बत क्रीम और ये सदियों पुरानी है मतलब हमारे नानों के दौर की है फिर मम्मा की मम्मा भी ये यूज़ करती हूँ मम्मा तो अभी तक ये यूज़ करती हैं आई थिंक पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो इसको यूज़ करती होगी और अगर कोई इंडिया से भी ये ब्लॉग देख रहा है तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्या वहाँ पे भी ये यूज़ होती है Review, uh, करेंगे हम तो चले स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग बिसमिल्लर रही और इससे जो है ना ये आप देख सकते हैं कि मेरी भी ना ऑलमोस्ट हाफ बॉटल जो है वो खाली हो चुकी है मैं यूज़ कर चुकी हूँ ठीक है इससे जो है ना हाथ बहुत सॉफ़्ट हो जाते हैं ये स्किन को बहुत सॉफ़्ट करती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी ये स्पेशलिटी है यहाँ पर मेरा चाय का खाली कप पड़ा हुआ है अभी मैं चाय ही पी रही थी ये रिकॉर्डिंग करने से पहले मेरी नानो कहती हैं कि इससे रंग भी गोरा होता है ठीक है तो इसको जो है ना अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें ना उर्दू में जो इसके अंदर से पेपर निकलता है उस पर लिखा होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां जो है वो इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करती हैं सो फनी इट इज़ अच्छा और इसकी खुशबू के तो क्या ही बात है क्या कहनी इसकी खुशबू के कि मैंने हाथ पे फिंगर पर थोड़ा सा लिया मैं इसे रब करूँगी ये देखिए ठीक है तो अच्छा ये ना बिल्कुल चिपचिप चिप नहीं करती है होता है ना कोई क्रीम्स यूज़ करें तो वो बहुत ही या लोशन वगैरह से चिपचिप करती है बहुत अच्छी ये इसकी अच्छी बात लगती है और ये लेयर बना देती है हमारे हाथ पे ठीक है और जिससे हमारी स्किन की भी जो है ना केयर होती है और अच्छी चीज़ है हिफाजत हो जाती है यहाँ पर आप, आप देख सकते हैं कि ये आफ्टर अप्लाइं तिब्बत क्रीम ये रिज़ल्ट है आपको आज का रिव्यू जो है वो अच्छा लगा होगा और कमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफ़िज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और सबका इट इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़